Assalamualaikum, it's me Amreen Kashif. Welcome back my new video. I hope you are doing well. तो आज में जो मेकअप लुक क्रिएट किया है वो है सिल्स ब्यूटी के वाइट लाइनर का ट्यूटोरियल पेश कर रही हूँ. तो चलें लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले हम अपने आईब्रोज को करेंगे शेप अप. तो चलें आईब्रोज को करते हैं शेप अप हुदा ब्यूटी के ब्राउन केक लाइनर की मदद से. मैं करती हूँ अपने आईब्रोज को शेप अप. पहले अपर लाइनर क्रिएट करूँगी, फिर एक इनर लाइन को क्रिएट करूँगी, फिर उसी ब्रश की मदद से मैं इसे अंदर को फिल कर लूँगी. आप बहुत आसानी से इस मेथड के ज़रिए अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं. बहुत ईजीली, बहुत आसान मेथड है. तो आईब्रोज को शेप अप करने के बाद हम अपने आईज़ का बेस बनाएंगे और फिर हम अपना मेकअप शुरू करेंगे. तो लीजिए मेरी आईब्रोज हो गई हैं शेप अप. अब मिस रोज़ के कंसीलर की मदद से मैं अपने आईज़ का बेस कंप्लीट करूँगी. पहले एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि आपकी आईब्रोज नीट एंड क्लीन हो जाए. फिर एक डॉटेड मैं ये लगा दूँगी और वेट पफ की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, बट पफ की मदद से बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है. अब मैं पाउडर लगा के, ड्राई पाउडर लगा के इसको सेट कर लूँगी. फेस हिट के कंट्रोलिंग किट से मैं एक लाइट ब्राउन शेड उठाऊंगी और अपने आईज़ को कर लूँगी कंट्रोल. अपने आईज़ को कंट्रोल करने के लिए आप ब्राउन शेड, पिंक शेड, कोई सा भी शेड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो आईज़ है अच्छे से कंट्रोल हो जाए. हाँ जी, अब तो सिल्स ब्यूटी का ये वाइट लाइनर है, बहुत ज़बरदस्त इसकी पिगमेंट्स हैं. तो मैं एक ब्रश की मदद से इसे लगाऊंगी. इसे एप्लीकेशन करना बहुत ही इजी है और देखें कितना ज़बरदस्त जेट वाइट शेड है इसका और लगाने में बहुत ही इजी है. तो मैं इसे अपने आईज़ पर लगा रही हूँ. मैं आपको इसको अपर लाइन पर भी क्रिएट करके मैं एक लुक क्रिएट करूँगी जो आपके सामने. बट मैं असल मेरा जो ये मेथड है ये है कि मैं इनकी आपको वाइट लाइनर का अच्छा सा पिगमेंट है वो दिखा सकूं. इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं तो प्लीज़ आप इनके पेज पर ज़रूर जाइएगा और इसको बाय ज़रूर कीजिएगा. अब अंडर आइज़ पे भी बहुत इजीली ये लग जाता है. देखें ये हमारी आइज़ गीली होती हैं तो हमारी पेंसिल लगती नहीं है, बट ये अंडर आइज़ पे भी इतनी ईजीली लग जाता है. मैं इसको लैशेज़ पे भी लगा लूँगी क्योंकि मुझे एक जो लाइन लुक क्रिएट करना है उसके लिए मुझे अपनी इनर लैशेज़ भी वाइट ही चाहिए. तो लीजिए मैंने ये लाइनर लगा लिया है. इसके बाद करती हूँ मैं अपनी आईज़ को हाईलाइट. सिल्स ब्यूटी का ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर नंबर 1 है. इससे मैं करूँगी अपने ब्रो बोन को हाईलाइट और अपने आई बॉल पर भी मैं इसे थोड़ा सा लगा दूँगी ताकि मेरे अंडर आई पे थोड़ा सा शाइन हो जाए. तो लीजिए मैंने अपनी आईज़ को कर लिया है हाईलाइट. फिंगर की मदद से मैं इसे कर दूंगी थोड़ा सा ब्लेंड. अब मैं इस पर स्टोन लगाऊंगी, रेड स्टोन है वो मैं लगा दूंगी. टाइम सेव करने के लिए मैंने स्टोन ऑलरेडी लगा चुकी थी. अब मैं करूंगी अपने फेस को हाईलाइट सिल्स ब्यूटी की हाईलाइटिंग की मदद से. तो लीजिए मेरा लुक हो गया है आपके सामने. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.